हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपने चैनल आलिंगन ज्ञान ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोई भी वीडियो शेयर नहीं करेंगे, आज हम जा रहे हैं पीटीएम में, क्योंकि पीटीएम में भी जाना बहुत ज़रूरी होता है। आज हम कुकिंग या फिर स्टिचिंग की कोई भी वीडियोस नहीं लेकर आए हैं, तो चलिए फिर हम आज चलते हैं पीटीएम में, वहाँ से आपको हम दिखाते हैं, स्कूल में चलते हैं और दिखाते हैं बच्चों की प्रेजेंटेशन क्या है, उनकी प्रोग्रेस क्या है, वो सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये सब हमें पीटीएम में जाने के बाद ही पता चलता है। तो अगर आप पीटीएम में नहीं जाते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है पीटीएम में ज़रूर जाएं, इससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चा हमारा किस सब्जेक्ट में अच्छी तरीके से पढ़ाई करता है, कौन सा सब्जेक्ट उसका जो है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में वो कमज़ोर है, किस में उसका मन नहीं लगता है, किस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, तो ये सब हमें तभी पता चलेगा जब हम पीटीएम में जाएंगे। तो इसलिए आप पीटीएम में ज़रूर जाएँ। तो चलिए फिर हम पीटीएम में चलते हैं, क्योंकि लेट भी हो रहा है, 11 बज चुके हैं, तो इसका टाइमिंग जो है 9:30 से 1 बजे तक की ही है, तो यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया है, 11 बज चुका है, तो हम यहाँ पर रेडी हो गए हैं और हम पीटीएम के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे भी रेडी हो गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। पीटीएम में जाते समय डायरी वगैरह ले जाना होता है, क्योंकि कंप्लेन बच्चों की डायरी में ही मिलती है। तो यहाँ पर ये लोग बाइक पर बैठ गए हैं, आप देख सकते हैं बाइक धूप में खड़ी है तो ये गर्म हो गई है, ये लोग नीचे उतर आ रहे हैं। तो चलिए हम लोग रोड तक पैदल चलकर चलते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप हमारे सभी वीडियोस को आसानी से देख सकें। यहां पर हम लोग बाइक पर बैठ गए हैं और स्कूल की तरफ चल रहे हैं। स्कूल पहुंचने में करीब हमें 5 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा दूर स्कूल नहीं है। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं, देखते रहिए। फ्रेंड्स, हम अपने चैनल पर कुकिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस शेयर करते रहते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल आलिंगन ज्ञान ब्लॉग्स पर जाकर उसे ज़रूर देखें, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम पहली बार इस टाइप की वीडियोस बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम आ गए हैं चौराहे पर, आप देख सकते हैं बेटा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग स्कूल में पहुँच चुके हैं। चलिए अब हम स्कूल के अंदर चलते हैं और बच्चों के टीचर से बात करते हैं।
बाइक से नीचे उतर गए हैं, अंदर जाएंगे। काफी धूप है और गर्मी भी बहुत ज्यादा लग रही है। किसमें चलेंगे? यहाँ पर हम अंदर आ गए हैं, अब हम क्लासरूम में जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे ने कैमरे को ऑफ करवा दिया। अंदर जो है कैमरा ले जाना मना होता है, इस तरीके से कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकता है। तो हमने यहाँ पर दोनों बच्चों के टीचर से बात की, दोनों की प्रेजेंटेशन और प्रोग्रेस को जाना। यहाँ पर दोनों की कंप्लेन नहीं है कोई भी, दोनों की ठाक है, पढ़ने में ध्यान देते हैं वो लोग और हम लोग भी घर पर इन लोगों को ध्यान देते हैं। यहाँ पर ये सब हमने जाना, अब हम वहाँ से लौट आए हैं और हम घर की तरफ चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पेटीएम को अटेंड किया। पेटीएम में बच्चों के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। ये वो लोग बच्चे लाए, ध्यान देते हैं बच्चे लाए, सारे टीचर्स ने इनके बारे में पॉजिटिव बातें ही बताई, कोई भी निगेटिव बातें नहीं बताई, कोई भी कंप्लेन वगैरह नहीं की। यहाँ पर बच्चों ने आइसक्रीम लिया, कुरकुरे लिया और उसके बाद घर पे आ गए हैं। यहाँ पर हम घर पहुँच चुके हैं, थोड़ी थोड़ी गर्मी लोग इंजॉय कर रहे हैं। अब खाओ, ये लोग आइसक्रीम कुरकुरे खाने में व्यस्त हो गए हैं पेटीएम से आने के बाद। यहाँ पर आप देख सकते, तो यहाँ पर आपने देखा हम पीटीएम में गए और वहाँ से आ भी गए, उनके टीचर से मिले, टीचर से बातें की, ढेर सारी बच्चों की प्रोग्रेस और प्रेजेंटेशन के बारे में जाना। बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, सब सारे सब्जेक्ट्स पर ध्यान देते हैं, बट राइटिंग थोड़ी सी खराब है। इस पर उन्होंने चर्चा की कि राइटिंग बनाने पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, राइटिंग थोड़ी सी कम अच्छी है। और छोटे बेटे के बारे में भी उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा बात वगैरह क्लास में ही ज़्यादा करती है, बाकी पढ़ाई में सब ठीक ठाक है। तो ये सब हमें पीटीएम में जाने के बाद ही पता चलता है। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है, पीटीएम में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? आप अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपकी क्या राय है। थैंक यू।